दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए 13 मई की 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 15,000 से अधिक वैकेंसी यहां पर निकली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 10वीं पास, 12वीं पास और डिग्री पास के लिए यहां पर सुनहरा और बड़ा अवसर निकला है। जी हाँ दोस्तों, 13 मई को 7 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 7 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 13 मई की 7 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है SSC में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है सैनिटरी सुपरवाइजर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, गार्डन सुपरिंटेंडेंट, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर और लीगल असिस्टेंट की। बात अगर यहाँ पर इसमें वैकेंसीज की जाए तो टोटल इसके लिए 921 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। बात अगर एग्जाम की जाए तो म्यूनसिपल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JMSCCE 2022 एग्जाम के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए 30 मई 2022 से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 29 जून 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 2 जुलाई 2022 है। करेक्शन की डेट ऑनलाइन फॉर्म में 6 से 10 जुलाई 2022 है। बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी की जाए तो यहाँ पर सैनिटरी सुपरवाइजर और वेटनरी ऑफिसर के लिए 19,900 से 63,200 है लेवल 2 के अंतर्गत। रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए 25,500 से 81,100 है लेवल 4 के अंतर्गत। गार्डन सुपरिंटेंडेंट के लिए 35,400 से 112,400 है लेवल 6 के अंतर्गत। लीगल असिस्टेंट के लिए 29,200 से 92,300 है लेवल 5 के अंतर्गत। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 35 वर्ष मेल कैंडिडेट्स के लिए, जबकि 21 से 38 वर्ष फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। बात अगर यहाँ पर इसमें एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल की जाए तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। ST PH जो झारखंड स्टेट के हैं उनके लिए 50 रुपये फ़ीस है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा OMR बेस्ड रिटर्न एग्जाम के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, झारखंड SSC की यह भर्ती निकली है। JSSC.NIC.IN इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। कांस्टेबल की बड़ी भर्ती की अपडेट है। 3,000 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो स्टार्टिंग और लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की इस भर्ती की जल्द ही डिक्लेयर की जाएगी। 18,200 से 52,900 से ली प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 24 वर्ष इसके लिए यहाँ पर आयु सीमा रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस ऑल कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, TN पुलिस की भर्ती निकली है। TNUSRB.TN.GOV.IN ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वन विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक, फॉरेस्टर वन पाल और फॉरेस्ट रेंजर वन अक्षेत्रपाल की। टोटल यहाँ पर 204 वैकेंसी जिसके लिए निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए 19 मई 2022 से स्टार्ट होंगे।
लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की जल्द ही अपडेट की जाएगी। बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी की जाए तो 19,900 से 63,200 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, जबकि फॉरेस्टर फॉरेस्ट रेंजर के लिए डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर इसमें बात की जाए तो 18 से 37 वर्ष आयु सीमा है। जनरल कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये फीस है। एससी बीसी डब्ल्यूएस के लिए 250, ईएसएम और डिपेंडेंट्स के लिए 200, पीएचपीडब्ल्यूडी के लिए 500 है, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है SSSB.punjab.gov.in, इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है WCD में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनेक विभागों के अंतर्गत भर्ती निकली है, जैसे कि यहाँ पर वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि नगर विकास विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग, होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग, कई विभागों के अंतर्गत यहाँ पर यह भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और इंस्पेक्टर की। टोटल यहां पर 161 वैकेंसी जिसके लिए निकली है। इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ में बात अगर एग्जाम डेट की जाए यहां पर भी आप चेक कर सकते हो। एग्जाम ये स्टेट सर्विस एग्जाम 2022 के माध्यम से कंडक्ट किया जाएगा। डेट यहां पर आवेदन की 12 मई 2022 से शुरू हो चुके हैं आवेदन। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 1 जून 2022 है। ऑनलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 1 जून 2022 है। ऑफलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट 3 जून 2022 है। प्री एग्जाम की डेट 21 अगस्त 2022 है। मेन एग्जाम की डेट 21-23 जनवरी 2023 है। बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी की जाए तो पोस्ट वाइज आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री, बीकॉम, सीए, आईसीए और एमबीए से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 38 वर्ष आयु सीमा है। फीस यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 544 है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 344 है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या ही चालान से ऑफलाइन भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के आधार पे। अप्लाई मोड की बात की जाए तो ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हो। महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है MPSC.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, पंचायत सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की, MPHW की यहाँ पर पोस्ट है। 1866 वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर यहाँ पर इसकी इंपोर्टेंट डेट्स की जाए तो आवेदन इसके लिए 16 मई 2022 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 मई 2022 है। सैलरी 19,950 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स या सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 34 वर्ष इसके लिए यहाँ पर आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर इसमें बात की जाए तो ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 100+12 पोस्टल चार्ज है। SC ST PWD को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। पेमेंट आप SBI के माध्यम से कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। गुजरात जॉब लोकेशन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर GPSSB.gujarat.gov.in और OJS.gujarat.gov.in पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ईस्टर्न रेलवे में। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी रेलवे के अंतर्गत ये भर्ती है। ACT अप्रेंटिस के लिए 2,972 सीट्स है। इंपोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 20 मई 2022 है। लास्ट डेट इसकी एक्सटेंडेड कर दी गई है। अप्रेंटिसिप रूल के अकॉर्डिंग ही सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 8वीं पास 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर 15 से 24 वर्ष है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC के लिए 100 रुपये है। SST PWD फीमेल को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन तरीके से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट से इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। RRCCER.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
उसके बाद दोस्तों जो 7 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली हुई है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अंतर्गत भर्ती निकली हुई है। अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 3,614 वैकेंसीज है। इस भर्ती की भी लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है, लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 22 मई 2022 है। बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी डिटेल की जाए तो ट्रेड अप्रेंटिस फर्स्ट ईयर के लिए 7,700 है, सेकंड ईयर के लिए 8,050 है, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 है। 10th पास प्लस ITI और डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको यहां पर जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के होगा, मेरिट के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। ONGCIndia.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 13 मई 2022 की टॉप 7 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।